अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह अति महत्वपूर्ण खबर है। अपने सगे संबंधियों के साथ भी इसे साझा जरूर करें। ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम को बहुत बड़ा झटका लगा है और यह झटका दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सीधे शब्दों में कहे तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी। आरबीआई ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लिया गया है। हालांकि इसे लेकर अकाउंट होल्डर्स या पेटीएम यूजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम ग्राहक अपने बचे बैलेंस की निकासी या उपयोग कर सकेंगे, उसके लिए किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। बचे हुए बैलेंस के पूरा हो जाने के बाद यूजर्स इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर क्या है पूरा मामला। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 मार्च 2022 को ही बैन लगा दिया था। आरबीआई ने उसी समय पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। उस समय आरबीआई बैंक की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अपने पूरे आईटी सिस्टम का ऑडिट कराने के लिए कहा गया था और ऑडिट करवाने के बाद कुछ खामियां और अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद अब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्त बैन लगाया है। सबसे पहले ये जान ले कि यह 197 कम्युनिकेशंस नाम की एक कंपनी है। इसकी दो सर्विसेज है, एक है पेटीएम और दूसरी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विसेज। इसमें से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिलता है, तो ऐसे में पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई के निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य है, वो करना ही पड़ता है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 15 मार्च 2024 तक सभी ट्रांजैक्शंस जो अभी पेंडिंग में पड़ी है, यानी पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस, इसके अलावा नो डल अकाउंट के निपटान का भी निर्देश दिया है। इसके बाद किसी भी लेन देन की परमिशन नहीं मिलेगी। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने आगे ये कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को भारत के फेमस ट्रांजैक्शन सिस्टम जैसे यूपीआई सहित किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए फंड ट्रांसफर करने की भी परमिशन नहीं दी जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आरबीआई के इस बैन के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर्स अकाउंट, जिनमें सेविंग और करंट अकाउंट शामिल है, प्रीपेड फैसिलिटी, वॉलेट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इत्यादि सर्विसेज को इस्तेमाल करने में दिक्कतें आएगी। आरबीआई का ये बैन 29 फरवरी बाद से लागू होगा। आपके फास्टैग, नेशनल मोबिलिटी कार्ड इत्यादि में जो पैसा पड़ा है वो आप उसे खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसमें 1 मार्च के बाद से और पैसे नहीं डाले जा सकेंगे। सोशल मीडिया उन दावों से भर गया है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैल रही है कि ये पेटीएम अब काम नहीं करेगा, लेकिन ये आपको बताना चाहेंगे कि ये सारे नियम पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर है। अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा रखा है और लगातार आप उसका भर भर के इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शायद सतर्क होने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप पेटीएम के जरिए पैसे ले रहे हैं अपने किसी बिजनेस या अपने किसी काम के लिए, तो आपको इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल बस पेमेंट के लिए करते हैं, पैसा स्टोर नहीं करते हैं, रखते नहीं हैं, तो आपको फिलहाल चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आगे देखते हैं होता है क्या। देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस खास रिपोर्ट प्रसाद दिया निशांत शर्मा ने।